शहर के अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवशंकरजी हेड़ा साहब, हमारे अजमेर दक्षिण के विधायक बहन अनिता जी भजेल साहब, हमारे पूर्व सांसद राजा सिंह जी रावत साहब, हमारे पूर्व मंत्री महापौर सुरेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई अरविंद जी, हमारे महामंत्री भाई रमेश जी, महेंद्र जी, ये झूठ इनकी नींव झूठ के ऊपर ये नींव बनी है। जब 2018 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने जा रहे थे तो कांग्रेस की जो बुनियाद है, इस प्रदेश की कांग्रेस की जो सरकार बुनियादी झूठ के ऊपर है। इन्होंने झूठ बोलकर सत्ता राजस्थान में सत्ता हथियाई थी। ये जन विरोधी सरकार है, ये सभी वर्ग विरोधी सरकार है। इसलिए झूठ के पुलिंदे पर जिसका आधार ही झूठ पर है वो आखिर बिखरनी जरूरी है। सबसे बड़ी आशास्पद स्थिति है के जितने भी जन कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं हैं, उन सारे योजनाओं को इन्होंने भंसा कर दिया है। आज ये स्थिति है कि इन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को लड़ने के अलावा इनको कोई इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। रोजाना एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है अभी जो नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिकाओं के जो चुनाव जो सामने होने जा रहे हैं नवम्बर में, इसके लिए जो यूडीएस मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा गया नहीं हम डायरेक्ट चुनाव कराएंगे, फिर वापस बदल गए। फिर उन्होंने कहा हम ऐसे व्यक्ति को भी वहाँ का प्रमुख बना सकते हैं, चेयरमैन बना सकते हैं, सभापति बना सकते हैं, महापौर बना सकते हैं, जो चुनाव नहीं लड़ा या चुनाव हार गया। ऐसी हास्यास्पद स्थिति ये प्रकट कर रहे हैं। फिर उप मुख्यमंत्री द्वारा और हमारे द्वारा भी उसका विरोध किया गया, फिर उन्होंने थूक के चाटा, फिर वापिस उसको बदला। ऐसी स्थिति आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारे पहले हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय में जो टोल, निजी टोल वाहन है, फोर व्हीलर है, वो टोल माफ किया था, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसको उन्होंने वापिस लागू कर दिया। और इसका जो कारण है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जो लड़ाई है, उस लड़ाई की वजह से आम जनता पिछड़ी है, आम जनता के ऊपर बोझ पड़ रहा है, आम जनता के ऊपर ये उनके ऊपर इस तरह की समस्याएं लाद रही है ताकि उनको झेलना पड़ रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि उप मुख्यमंत्री के पास जितने भी विधायक डिपार्टमेंट है, चाहे वो PWD हो, चाहे पंचायत राज हो, ये जो मुख्यमंत्री है, जो वित्त मंत्री भी इनके, वित्त मंत्रालय इनके पास है, इन्होंने एक रुपये बजट नहीं दिया। उसका परिणाम यह निकला कि उन्होंने सोचा कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ताजुब है, एक साल में 300 करोड़ रुपए जो आज मैं हमने अखबार में पढ़ा है, मुख्यमंत्री ने बोला है, उप मुख्यमंत्री ने बोला है कि 300 करोड़ रुपए का बचत होगा। अरे साल में 300 करोड़ रुपए के लिए तुम जनता पे भार डाल रहे हो, बहुत शर्मनाक बात है। जब उप मुख्यमंत्री ने सोचा कि जब मेरे डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री मुझे पैसा नहीं दे रहा है, तो उन्होंने देखा अंततः इस पार्टी को तो डूबना है, इस सरकार को डूबना है, तो उन्होंने देखा गहरे पानी में डूबो, इसलिए उप मुख्यमंत्री ने ये टोल लागू किया। और ये हास्यास्पद स्थिति है, जब उस डिपार्टमेंट पैसे नहीं देंगे तो मैं कह सकता हूँ उप मुख्यमंत्री ये सोच रहा है कि कब मुझे यहाँ से निजात मिले, क्यों कि आज उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, परंतु उसको कोई उसको बजट नहीं दिया, तो आखिर वो क्या करे। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि ये कांग्रेस की सरकार अपने कर्मों से मरने वाली है, अपने कर्मों से गिरने वाली है। ये सरकार जल्दी से जल्दी गिरेगी, यहाँ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर ये राजस्थान का विकास होगा। अभी प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है राजस्थान में, इतने अत्याचार, इतने अन्याय, मैं कह रहा हूँ मैं बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, हर एक के साथ, SC ST के साथ इस तरह के अन्याय हो रहे हैं, और इसी वजह से ये सरकार तुरंत गिरेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः राजस्थान में बनेगी और फिर ये राजस्थान जो प्रदेश है विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा।